गाइज वेलकम इन माई चैनल क्रैक नीड इन इजी वे विद पक् गर्ल्स आज का टॉपिक है फॉर फंजाब ठीक है तो वॉच दिस वीर टिल द एंड बिकॉज काफी यूजफुल होगी आप लोग के लिए गाइस आज का टॉपिक है किंगडम फंजाई से ठीक है किंगडम फंजाई सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है इसमें क्या होता है बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग गलत करके आते हो ठीक है तो आज मैंने किंगडम फंजाई को काफी इजी बनाने की कोशिश की है इसमें सबके लिए ट्रिक्स हैं जितने भी एग्जांपल हैं उनके लिए ट्रिक है जैसे कि फाइकोमाइसिटीज एस्कोमाइसिटीज ठीक है और लास्ट में जो है ये एक आ, मैंने चार्ट बनाया हुआ है तो आप इसको थोड़ा सा आ, फोकस करके समझिएगा काफी इजिली आपको फंजाई याद हो जाएगा और इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो काफी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए ठीक है सो हम बात करते हैं किंगडम फंजाई के लिए किंगडम फंजाई क्या hydropic, ठीक है अ अक्लोरोस यू है क्लोरोफिल नहीं होता है यूकैरियोटिक होता है हाइड्रोट्रॉपिक होता है ठीक है मोर अबेंडेड इन वार्म एंड ह्यूमिड एरियाज दैट्स दाई शो द ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट ठीक है ये जो है वो हर जगह ग्रो कर लेता है अगर ये ग्रो कर रहा है ऑन द बार्क तो हम उसको बोलेंगे कॉर्टिकॉलस ठीक है अगर वो ग्रो कर रहा हैं तो तो उसको बोलेंगे आप जानते है काउडंगे कॉप्रो है ठीक है तो ये ये होगा है ग्रो ऑन वुड अगर वुड पे है तो एपी ग्रो ऑन वंट वुड इसको बोलते हैं जाइलोफिलस एंड ग्रो ऑन करा, हैंटिन तो ये हो गया कैराटिन ठीक है सो so, इजिली याद हो गया कि अगर बार्क पे है बार्क कॉर्ट ठीक है आप लोग को याद होगा बार्क में मैंने कॉर्क कैम्बियम पढ़ाया था ठीक है तो कॉर्क कैम्बियम से हम इसको जोड़ सकते हैं कॉर्क थी, तो कौर टी ठीक है तो कॉटी काउ डंक डोल दिया बूट बूट में जाइलम्स होते हैं तो ये हो गया इपीज़ाइलिक ब्रंट बूट मतलब कि जली हुई ठीक है तो ये हो गया कैसे ठीक है कैराटिन का कैराटिन नेक्स्ट है दे मल्टी मल्टीसेलर अब हर चीज में तो एक्सेप्शन होना जरूरी है जैसे कि बहुत हर चीज में डायवर्सिटी है ना तो इसमें भी डायवर्सिटी होनी ही थी कि दे आर ऑल तो थे बट एक कौन आ गया दो आ गए कौन ईस्टर्स इनका ट्रेम ये कैसे है? एक्सेप्शन है? है मतलब कि कैसे आए न्यू साल हो है इस पर क्वेश्चन आ सकता है ठीक है तो इसको थोड़ा सा फोकस कीजिएगा नेक्स्ट है फंकल बॉडी इज मेड अप ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनी होती है उसको हम बोलते हैं फी है अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो थोड़ा सा पे फोकस कर लीजिएगा कि क्या चीज समझा रही हूँ जब फंगल बॉडी इज मेड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड तो ये तो हाइफी है ये जो अलग अलग आपको दिख रहे हैं ना ये चीज ये ये सब हाइफी है और इन सब का क्या क्रिस क्रॉस कर दिया क्रिस क्रॉस विथ वन अनदर तो ये मिलके बना दिया क्या माइसीलियम ठीक है ये चीज क्लियर हो गई कि हाइफी जो है ये तो ये एक एक थ्रेड है पर इनका क्रिस क्रॉस कर दिया तो ये क्या हो गया माइसीलियम नेक्स्ट है सेलवल ऑफ द हाइफी

बेस बना रहा है कि अच्छा ऐसे ऐसे फंजाई में रिप्रोडक्शन होता है ठीक है तो वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग ये आप अपने बेसिक क्लासेस में काफी समझ चुके होंगे और इनका एंट्रेंस एग्जाम से कोई इतना क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं ठीक है असेक्सुअल जूसपोर स्प्रंजियोस्पोर कोनीडिया एंड क्लेमाइडो स्पोर्ट्स ठीक है तो यह आप लोगों को पता ही होगा कि असेक्सुअल प्रोडक्शन कैसे होता है बाय द स्पोर्स ठीक है सेक्सुअल प्रोडक्शन कैसे होता है बाय द गैमीट्स तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट अकर्स थ्रू ऊस्पोर एस्कोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्सुअल साइकिल थ्री स्टेप्स ये क्वेश्चन आ जाता है क्या कैसे क्वेश्चन आता है इसका कि इसको सीरीज में बताने की पहले प्लाज्मागैमी होती है कि पहले कैरियोगी होती है कि पहले म्योसिस होती है ठीक है तो पहले क्या होती है पहली होती है प्लाज्मोगी दूसरी होती है कैरियोगेमी और तीसरी क्या होती है म्योसिस ठीक है समझ में आ गया आप लोग को इसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है और ट्रिक क्या है पीके मरा आप लोग को याद होगा पीके छो करो रे बन के मारो मेहमान ठीक है आमिर खान की मूवी आप लोग को इजली याद होगी ठीक है तो ये क्या पीके जो है वो मरा ऐसा हुआ उस मूवी में क्या होता है बहुत बार उसकी मतलब वो दूसरे प्लेनेट से आया होता है तो ठीक है तो बहुत बार उसकी डवाडेड पड़ती है बहुत प्रॉब्लम्स होती है तो मैं इसके बोल सकते हैं कि पीके तो मरा तो पी के मरा इजी नेक्स्ट है किंगडम फंजाई क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ किस बेस पे हुआ ठीक है अगर हमने किसी चीज को डिवाइड किया तो बेस क्या था उसका उसका बेस था मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसिलियम माइसिलियम की मॉर्फोलॉजी उसका मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन मतलब कि असेक्सुअल प्रोडक्शन में उसका जो है स्पोर uh, फॉर्मेशन कैसे हुआ और नेक्स्ट है लास्ट फ्रूटिंग बॉडीज इन पे इनको जो है वो क्लासीफाइड uh, किया गया ठीक है फंजाई फोर टाइप्स की हैं फाइकोमाइसिटीज एस्कोमाइसिटीज बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज ठीक है तो हम ऐसे याद कर सकते हैं कि फिजिक्स ए बी डी ठीक है ए बी डी कैसे क्योंकि अब देखो फिजिक्स तो बड़ी टफ होती है ठीक है अब क्या होता है जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो हम बीच में एक अच्छी से भूल जाते हैं हम स्क्वायर भूल जाते हैं कभी तो कभी उसमें पाई लगाना है तो कुछ भी ऐसी चीजें हम लोग मोस्टली भूल जाते हैं ठीक है तो हम इसको कैसे ट्रिक से याद कर सकते हैं कि फिजिक्स ए बी सी को हम खा गए और डी है ठीक है समझ में आ गया आप लोग को कैसे वैसे तो ये क्लासेस आप लोग को याद होंगी पर फिर भी जिसको याद नहीं है उसके लिए ट्रिक है कि फिजिक्स ए बी डी सी तो हम खा गए क्योंकि हमें फिजिक्स का भी अच्छे से याद हो ही नहीं पाती है ठीक है सो फाइकोमाइसिटीज फाइकोमाइसिटीज को दो में डिवाइड किया क्या ओ और जाइको ठीक है तो ओ जेड ओ जेड से ठीक है आई थिंक आप लोग को सही समझ में आया हो अभी तक